इस रत्ना किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडी ठंडी वाली आइसक्रीम, जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बच्चों को क्या, सबको पसंद आएगी। गर्मी इतनी हो रही है गाइस, पूछो मत। तो चलो हम आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले लेंगे हम एक पैकेट दूध, उसे एक पतीले में निकालेंगे। अब इसे हम गर्म करेंगे। आप ज़्यादा भी ले सकते हो गाइस, पर मैंने 4-5 लोगों के अकॉर्डिंग बनाया है। अब हम डालेंगे 3 चम्मच शक्कर, 1 अब इसमें से हम थोड़ा सा दूध निकालेंगे। पहले थोड़ा गर्म तो हो जाने दो, उसके बाद अब हमें कटोरी में 3 या 4 चम्मच दूध निकालेंगे, बड़े चम्मच, छोटे नहीं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर 3 चम्मच, 3 या 4 चम्मच, जितना आपको गाढ़ा चाहिए, पर मैंने सिर्फ 3 चम्मच डाले। अब इसे मिलाएंगे अच्छे से, जैसे गांठना पड़े। अब इसके बाद हम इसमें दूध में डालेंगे इसे थोड़ा थोड़ा करके गाइस, जैसे अच्छे से मिल जाए। इसे अच्छे से घुमाएंगे जब तक ये थोड़ा सा पक जाए। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब एक पतीला लेंगे, उसमें व्हिप क्रीम डालेंगे और इसे अच्छी तरफ मशीन से फेटेंगे गाइस। ये फेट के रेडी हो चुका है गाइस। अब जो हमने दूध और वो मिक्सरन बनाया था इसमें डालेंगे गाइस। आप थोड़ा ठंडा करके डालिएगा, मेरे से थोड़ा गरम गरम डाला गया है। अब इसे अच्छे से फेटेंगे गाइस। अब इसमें हम डालेंगे 4-5 बूंद वेलिना एसेंस, अच्छे से मिलाएंगे। इसे फेटेंगे नहीं, बस इसे कड़छी से मिलाएंगे हम। मिल के रेडी हो चुका है। अब एक कांच का बॉल लीजिए, ढक्कन वाला। अब इसे अच्छे से बंद करिए। अब इसे फ्रिज में 7-8 घंटे आप रख लीजिए। देखिए गाइस, आइसक्रीम बन के रेडी हो चुकी है। गाइस मैंने इसमें पिस्ता, बारीक कटा हुआ पिस्ता डाला। आप चाहो तो कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, जो आपको पसंद हो। गाइस देखिए, हमारी आइसक्रीम बनके रेडी हो चुकी है, एकदम ठंडी ठंडी। आप भी खाइए, सबको खिलाइए गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलने, और कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है। बाय गाइस, एंजॉय।